अब तो इस वृद्धा की गुहार सुन लो सरकार, सालों से न्याय के लिए काट रही चक्कर। इटावा जनपद के भरतना निवासी माया देवी जाटव अपने परिवार के साथ पिछले कई सालों से अपना घर बार छोड़कर इस चौखट से उस चौखट पर दर दर भटक रही है। गांव के दबंगों ने उसके मकान पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, जिससे उसे अपने परिवार के भरण पोषण में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जब उसे अपने किसी काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अपना मकान किराए पर दे दिया था। उस किराएदार की नियत खराब हो गई और उसने पीड़ित महिला को मारपीट और धमकी देते हुए दबंगई दिखाते हुए लाठी डंडों के बल पर पूरे मकान पर अपना कब्जा जमा लिया। जब उसने इस मामले की शिकायत की तब किराएदार बौखला गया और गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारने पीटने की धमकी देने लगा। नाम है आंटी जी? माया देवी है मेरा। लगातार आप थाने के चक्कर काट रही हैं, क्या बात है? अरे हमारा मकान कब्जा कर लिया एक विशाल लड्डू ने, रेखा पाली वाले ने, तो खाली नहीं कर रहा। लगभग कितना समय हो गया है? कई साल हो गए हैं, कई साल हो गए हैं, खाली नहीं कर रहा। हम जाते हैं तो परेशान करता है कि हम नहीं खाली करेंगे, जो कुछ तुम्हें करना हो तो कर लो। तो आपने अधिकारियों से इसकी शिकायत की है? शिकायत करी है, थाने में गए, चौकी में भी गए, उप जिला अधिकारी से भी गए, और सीओ से भी गए, डीएम से भी, इटावा भी गए, और वरिष्ठ अधिकारी से भी गए, सुनाई कहीं नहीं हो रही है, बहुत परेशान है हम। दबंगों के डंडे के आगे पीड़ित महिला गांव में महफूज नहीं समझ रही है और पिछले कई सालों से अपना घर बार छोड़कर अपने परिवार व लड़कियों को लेकर अधिकारियों की चौखट पर इधर से उधर भटकने को मजबूर है। उसने कई बार पुलिस थाने से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक शिकायती पत्र दिए, लेकिन इस मामले में जब कोई प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तब दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और अब वह उसी गांव में नहीं रहने दे रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं? अब ये चाहते हैं कि मेरा मकान खाली हो जाए तो हम किसी तरह रह सकें, हमारे बच्चे रह सकें। हमारे बच्चे बहुत मारी मारी फिर रहे, लड़कियां हैं। किस जगह आपका मकान है? मेरा मकान है रानी नगर पुराना भरतना, मकान नंबर 486/1 पुराना भरतना रानी नगर।